मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जीएसटी के कई प्रावधानों के विरोध में व्यापारियों में खासा आक्रोश है। कैट के आह्वान पर शहर के सभी व्यापारियों ने अपना प्रतिष्ठान बंद रखकर सरकार का विरोध किया। कैट के ऐसे ग्वालियर बंद से शहर में 50 करोड़ का व्यापार प्रभावित हो रहा है, वहीं देश में 1,00,000 करोड़ का व्यापार प्रभावित होने की उम्मीद है। भारत बंद करने के लिए 11 फरवरी से व्यापारियों से संपर्क अभियान चलाया गया था। इसी अभियान के तहत कैंट के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र जैन विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से मिले थे और उनसे बंद के लिए समर्थन मांगा था। बंद को सफल बनाने के लिए कैंट के पदाधिकारी विभिन्न बाजारों के प्रतिनिधि मंडलों से मिलकर जगह जगह से रैली भी निकाल रहे हैं। वहीं जीएसटी के जटिल प्रावधानों से परेशान सभी व्यापारियों ने कैंट के पदाधिकारियों को बंद में समर्थन दे रहे हैं। वहीं कैंट का यह देशव्यापी बंद दोपहर 2 बजे तक रखा जाएगा, जहां बंद के आह्वान को देखते हुए ग्वालियर में सभी जगह पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आज जो जीएसटी को लेकर आप लोगों ने भारत पूरा भारत बंद है, तो ग्वालियर में कितना सफल बंद मिला? कैट के 26 फरवरी के भारत व्यापार बंद के आह्वान पर ग्वालियर आज पूर्ण तरह बंद है और लगभग शहर की 32 संस्थाओं ने अपना समर्थन दिया है। हमें आज ग्वालियर व्यापार मेला भी बंद रखा है, मॉल भी बंद रहे हैं, अन्य सराफा बाजार, अनाज मंडियां, सब्जी मंडियां, सभी का समर्थन हमें मिला है। हमें लगता है कि बाजार पूरी तरह बंद रहा है आज। नहीं, जैसे ये बंद देखा जा रहा है, बंद आपने करते हैं, हड़ताले करते हैं, क्या सरकार के कान में जरूर होंगे कि इस तरह की मांगे? मुझे लगता है कि आज जिस तरह से जीएसटी को लेकर पूरा भारत बंद हुआ है, निश्चित रूप से सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर जीएसटी को सरलीकरण नहीं किया तो हमारा ये करदाता रोड पर आकर बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बड़े आंदोलन की आप लोग मतलब अभी नेशनल गवर्निंग काउंसिल बैठक में 8 फरवरी को नागपुर में यह निर्णय लिया गया था कि भारत व्यापार बंद करना है। आज हमारा पहला चरण हुआ है, यदि सरकार अभी भी नहीं सुनेगी तो अगले चरण की घोषणा जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी उस पर हमको काम करना होगा। इसमें क्या मांग रखी है आपने? जीएसटी केवल जीएसटी के 937 जो संशोधन किए गए हैं उससे जीएसटी बहुत कठिन हो गया है, जी का जंजाल बन गया है। हम उसका सरलीकरण चाहते हैं और इसका एक दौर वार्ता का हो चुका है हमारे कैट के पदाधिकारी और जीएसटी के अधिकारियों के साथ। मार्च के प्रथम सप्ताह में पुनः उस पर विचार होगा। सर, आज भारत बंद का आलम किया गया है, किस तरह से पुलिस की सुरक्षा बढ़ रही है? कोई जोर जबरदस्ती पुलिस की तरफ से कितनी सुरक्षा बढ़ा? हम लोग सारे हमारे वरिष्ठ अधिकारी साहबान लगातार। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।